कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस, 4,000 रुपए तेंदुपत्ता समर्थन, ओबीसी को फिर से 27% आरक्षण और होगी जातिगत जनगणना। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मान पत्र दिए गए। इस मौके पर देवभूमि को विकसित और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी से आह्वान किया गया। खटीमा में राज्य स्थापना दिवस समारोह में जनहित और सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ण ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह विष्ण ने कहा कि देवभूमि का अनुपम सौंदर्य, पर्वतीय परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे एक अद्वितीय राज्य बनाते हैं। उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए हमें हमारी समृद्ध विरासत के संरक्षण और समृद्धि के प्रति सदैव समर्पित रहना है। उन्होंने कहा कि देवभूमि को विकसित और आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सब मिलकर अपना सहयोग दें। स्थापना दिवस पर सबसे पहले तो मैं सारे खटीमा वासी को और सारे उत्तराखंड वासी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं नमन करना चाहता हूँ सभी लोगों को जिसकी बदौलत आज हमारे पास उत्तराखंड मिला है। आज हमने जो भी हमारे खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे तहसील के कर्मचारी या अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य किया है उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भविष्य में भी ऐसे काम करें और हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन। कांग्रेस सरकार देगी सबका अधिकार। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस, 4,000 रुपए तेंदुपत्ता समर्थन, ओबीसी को फिर से 27% आरक्षण और होगी जातिगत जनगणना। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।